Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which today I will discuss with you the powers of the Bar Council of India. This topic I am continuing for a few last days. So in the continuance of the same, I'll discuss with you the rest powers of the Bar Council of India. So come to the point. The power that we have discussed in my last lecture, that was the manner in which the name of any advocate may be prevented from being entered in more than one state roll. तो हमने हमारे last lecture में discuss किया था कि किस प्रकार Bar Council of India जो है वो अपने एक अधिवक्ता को एक से अधिक राज्यों की नामावली में बार काउंसिल्स में एंटर करने से रोकने हेतु नियम बनाती है. तो ये एक बहुत ही वाइड पावर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो अधिवक्ताओं को मिसरिप्रेजेंटेशन और एक से अधिक राज्यों में एक ही समय पर नामांकित होने से रोकने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है. नेक्स्ट, इसी के कंटिन्यूस में हम नेक्स्ट पावर देखते हैं. द मैनर इन विच द सीनियोरिटी अमंग एडवोकेट्स में बी डिटरमाइंड. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है, और फंक्शन भी हम इसे कह सकते हैं कि वो ये निर्धारित करती है कि जितने भी अधिवक्ता नामांकित हैं उनमें से उनकी सीनियोरिटी के आधार पर उन्हें सीनियर स्केल जो होता है, सीनियर एडवोकेट का जो एक उनको पोजीशन दी जाती है, वो ग्रांट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो रूल्स बनाने का काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करती है. द नेक्स्ट पावर इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू अ कोर्स ऑफ डिग्री इन लॉ इन एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. इसके अलावा देखिए, किसी भी भारत में जो विधिक शिक्षा है उसके लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं जो लॉ की डिग्री ग्रांट करते हैं, उनमें एडमिशन कैसे होगा, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, वो सब नियम बनाने का काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करती है. तो देखिए, अ लीगल प्रोफेशन के साथ साथ लीगल एजुकेशन में भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि कोई स्टूडेंट अगर वो एडवोकेट बनना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, कि वो जो लॉ इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले पाए. ठीक है, द नेक्स्ट पावर इन द कंटिन्यूंस ऑफ द क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्संस एंटाइटल्ड टू बी एनरोल्ड एज एडवोकेट्स. बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं की वो श्रेणी भी निर्धारित करता है कि किस श्रेणी के अधिवक्ता जो हैं वो अपना नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज कर सकते हैं, बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल और इंडियन बार काउंसिल्स में रजिस्टर कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच एन एडवोकेट शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एंड द सर्कमस्टांसिस अंडर विच अ पर्सन शैल बी डिटरमाइंड टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन अ कोर्ट. इसके अलावा देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो ये निर्धारित करती है कि एक अधिवक्ता जो है वो कब अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, उसके लिए जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उनको निर्धारित करने का काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है. द नेक्स्ट पावर इज the form in which an application shall be made for the transfer of the name of an advocate from one state roll to another state roll. देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल में कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो किसी अधिवक्ता की इच्छा पर या उसकी रिक्वेस्ट प्राप्त होने पर उसका नाम एक स्टेट बार काउंसिल से दूसरे स्टेट बार काउंसिल में ट्रांसफ़र कर सकती है. इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है, उसमें अप्लाई करना होता है और उस रिक्वेस्ट पर कंसेंट मिलने पर उसका नाम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है. द नेक्स्ट पावर इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट
टू बी ऑब्जर्व बाय एडवोकेट्स। देखिए प्रोफेशनल कंडक्ट जो है, जिसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल इथिक्स, जो हम सब्जेक्ट जो हमारा है, उसका निर्धारण भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है कि किस प्रकार एक अधिवक्ता का न्यायालय में अपने कलीग्स एडवोकेट्स के साथ, बेंच जो जजेस के हैं उनके साथ, और जो अपने क्लाइंट्स हैं और अपोजिट पार्टी जो है क्लाइंट हैं उनके साथ आपका किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उसका निर्धारण भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। देखिए ये जो पावर्स आज हमने डिस्कस किया आपके साथ, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रिमेनिंग पावर्स थी उनको हमने डिस्कस किया। होप आपको ये पावर्स, हम जो काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।